ठीक है, सवाल है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब दो कंडक्टिंग वायर्स हैं हम लोग पास, सेम मटेरियल है, इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर है, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन ए सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। कहने का मतलब वो हो गया कि दो कंडक्टिंग वायर्स आप लीजिए, एक वायर ये है, दूसरा वायर ये है, चलो इसका नाम रख देते हैं ए वायर और इसका नाम रख देते हैं बी वायर। तो पहला पार्ट हो गया कि टू कंडक्टिंग वायर्स हम लोग को लेना है, मटेरियल दोनों का सेम है, मटेरियल दोनों का सेम है, मतलब एक ही मटेरियल से बना हुआ है, मान लो कि कॉपर से बना तो दोनों कॉपर से बना है, ठीक है। एंड इक्वल लेंथ, तो इसका जितना लेंथ है उतना ही लेंथ इसका भी है, इक्वल डायमीटर मतलब इसका जितना एरिया थिकनेस है उतना थिकनेस इसका भी है, समझ रहे हो, ये जो मोटाई होता है ना, ये एरिया होता है ना, हाँ ये सर, मोटाई ये दोनों का सेम है। तो पहले इनको लगा दिया सीरीज में और फिर लगा दिया पैरेलल में, पोटेंशियल दोनों केस में सेम दिया है। सीरीज में जब दो रेजिस्टर को लगाया जाता है तो ऐसे लगाते हैं हम लोग, यहाँ वोल्टेज दे देते हैं ऐसे, और पैरेलल में जब दो रेजिस्टर को लगाते हैं तो ऐसे लगाते हैं और यहाँ पे वोल्टेज दे देते हैं ऐसे, समझ रहे हो। तो एक जो है ये हाँ कौन सर, है, ए वायर है, और ये कौन है, बी वायर है, सेम वैसे ये ए वायर है, ये बी वायर है। तो तुमसे पूछ रहा है कि हीट जो प्रोड्यूस होगा ना सीरीज में, मान लो सीरीज में हीट प्रोड्यूस हुआ H1, और हीट जो प्रोड्यूस होगा पैरेलल में उसका रेशियो बताइए, मतलब H1/H2 बताइए, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छे से समझ गए हो, अब बनाओ, क्वेश्चन समझना जरूरी है पहले, हीट का फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं पहले, हीट हीट का फॉर्मूला देखो क्या पढ़ा है। का जो फॉर्मूला है वो हाँ देखो सर, है क्या हीट पढ़ा है, क्या है फॉर्मूला। इज़ इक्वल टू करंट स्क्वायर आरटी, आई मतलब स्क्वायर कि आर टी हाँ आई स्क्वायर। वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमको करंट पता नहीं है, तो उस करंट को रिप्लेस कर दो और एक दूसरा फॉर्मूला भी हो जाता है, हीट सर इक्वल टू H1 और H2 अपने से लगाए हैं। हाँ V²/R×T, ये फॉर्मूला लगेगा। आई के जगह पर जैसे हम लोग लिख रहे थे ना I²R, उसको V²R भी लिख सकते हैं। हम पावर जब पढ़ा रहे थे, तो पावर जब पढ़ा रहे थे तो उसमें देखो तीन फॉर्मूला बताए, पावर में एक फार्मूला बताया I²R, एक फार्मूला बताया V²R और एक फार्मूला बताया V×I। पावर में देखो ये तीन फार्मूला है क्या, इसके बाद ही पावर पढ़ाए थे हम, हाँ सर, तो पावर में ये तीन हाँ सर, फार्मूला है और हीट में हम एक फार्मूला बताए थे H=I²RT। तो भाई आपको यहाँ वोल्टेज हाँ सर, पता है, ठीक है, आपको वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो आप यहाँ पे I²R को आप V²R लिख के बनाओ ना, तो हीट का ठीक है फॉर्मूला सर, ये यूज करो, V²RT यूज करो, तो बन जाएगा। जब रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, जब रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, तीनों को ऐड कर देते हैं, जितना भी मतलब सबको ऐड कर मतलब जितना देते भी हैं। रहेगा सबको ऐड कर देते हैं, यही ना, हाँ सर, 1/R1 + 1 वो आर पैरेलल में टू होता है सर। हाँ सीरीज में ऐड होता है, R1+R2+R3+R4 जितना भी रहेगा, हाँ और पैरेलल में होता है 1/R1+1/R2+1/R3 जितना तक रहेगा। तो ये हम पहले पढ़ाए थे, तो यहाँ पर जैसे दोनों वायर सेम है, दोनों वायर का सब कुछ सेम है, तो भाई दोनों वायर का रेजिस्टेंस भी तो सेम ही होगा ना। तो अब हम बनाते हैं, तुम लोग बहुत टाइम दे दिए, तुम लोग से बन नहीं रहे, तो अब हम बनाते हैं इसको। कोई आदित्य तुम्हारा कुछ आंसर आया तो बोल सकते हो, नहीं सर, नहीं आया तुम्हारा जी कुछ आंसर आया तो बोल सकते हो, नहीं सर, आया है, नहीं सर, ठीक है तो हम बताते हैं, ये हम पहले बता दिए क्वेश्चन के, हम पहले बता दिए, अब डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखो जब तुम दोनों वायर को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो रेजिस्टेंस तो दोनों का सेम होगा ना यार, क्योंकि वायर दोनों सेम हाँ है, सर, सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है, डायमीटर तक सेम है, सब कुछ सेम है, तो रेजिस्टेंस दोनों वायर का सेम नहीं होगा क्या, सेम होगा सर, सेम ही होगा, हाँ बिल्कुल सेम सर, होगा। तो अगर दोनों वायर को सीरीज में लगाओगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में कितना आ जाएगा,
तो आर वन प्लस आर टू बोले तो दोनों सेम है, तो आर प्लस आर लिखेंगे ना, टू आर हो जाएगा। हाँ, अगर दोनों को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल में हो जाएगा वन बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू होता है। अब इसको रखो वैल्यू को यहाँ पे, तो वन बाई आर पैरेलल इक्वल्स टू वन बाई आर प्लस वन बाई आर, क्योंकि दोनों सेम है, आर वन आर टू दोनों सेम है। तो यहाँ पे तुम्हारा वन बाई आर पी एलसीएम ले लो, एलसीएम आर हो जाएगा, ऊपर वन प्लस वन बचेगा, वन बाई आर पी इक्वल टू हो गया टू बाई आर, बोले तो आर पी इक्वल टू रेसिप्रोकल भी तो करते थे लास्ट में, तो कितना आ गया आर बाई टू। तो एक में टोटल रेजिस्टेंस आया है टू आर और एक में टोटल रेजिस्टेंस आया है आर बाई टू, मतलब सीरीज वाले में टोटल रेजिस्टेंस है टू आर और पैरेलल वाले में टोटल रेजिस्टेंस है आर बाई टू। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं सर। अब हीट इन सीरीज या एच वन जिसको बोल रहे थे हम, या एच वन को हीट इन सीरीज बोलना है ना, तो एच एस भी लिख सकते हो ताकि समझ आए अच्छे से। हीट इन सीरीज और हीट इन पैरेलल पूछा था क्वेश्चन में, रेशियो ऑफ हीट इन सीरीज एंड इन पैरेलल, तो एच वन बाई एच टू लिखो चाहे एच एस बाई एच पी लिखो, तुम्हारी मर्जी, उसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी लिख सकते हो हीट इन सीरीज बाई हीट इन पैरेलल। तो हीट इन सीरीज बाई हीट इन पैरेलल निकालना है, और हीट का फॉर्मूला हम बोले दैट कि आपको ये यूज करना है वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाई टी। ठीक है, तो अगर हीट इन सीरीज लिखोगे चाहे हीट इन पैरेलल लिखोगे, तो क्या दोनों केस में पोटेंशियल हमारा सेम होगा? हाँ सेम। क्या दोनों केस में टाइम भी तो सेम होगा, कितने देर के लिए यूज किया जा रहा वो भी तो सेम होगा, क्या अलग होगा? रेजिस्टेंस अलग होगा। सीरीज वाले केस में टोटल रेजिस्टेंस 2R है और पैरेलल वाले केस में टोटल रेजिस्टेंस R बाई 2 है, तो ये अलग है केवल, समझ पा रहे हो ना? हाँ सर। तो यहाँ पर तुम देयरफॉर हीट इन सीरीज इक्वल टू वी स्क्वायर पोटेंशियल वी स्क्वायर बाई आर एस इंटू टाइम टी। आर एस का वैल्यू कितना था? 2R इंटू टाइम टी। एंड हीट इन पैरेलल कितना होगा? वी स्क्वायर बाई आर इन पैरेलल इंटू टी। आर इन पैरेलल कितना लिखेंगे? आर बाई टू, मतलब टू चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब इनका रेशियो बता दो। रेशियो मतलब डिवाइड करना होगा ना। हाँ सर। तो नाउ हीट इन सीरीज बाई हीट इन पैरेलल इक्वल टू, डिवाइड करो क्या क्या कट जाएगा? डिवाइड करो, देखो एक, पूरा एक, लिखने की जरूरत नहीं है, अगर पूरा लिखते भी तो ऐसे लिखना पड़ेगा तुमको, और क्या 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 कट जाएगा बताओ? हाँ, 1:4 होगा, लेकिन सारा टर्म कट जाएगा, जैसे कि वी स्क्वायर कट जाएगा, टी कट जाएगा, आर कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1/2 और नीचे बचेगा 2/1, तो ये लिखा लिखा जाएगा 1/2 इंटू 2/1, तो 1:1 होगा। सॉरी, हाँ, तो ऊपर बचेगा 1/2 और नीचे बचेगा 2/1, तो जो रेसिप्रोकल हो गया 1/2 ही हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 1/4। देख लो यहाँ पर,